हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आप सबके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर अब जो 3 चैप्टर बाकी हैं उसका आईएमपी भी आप जल्दी अपलोड करो, क्योंकि आज संडे है, घर पे थोड़े मेहमान हैं तो मैं घर पे शूट नहीं कर पा रहा। बट कोई बात नहीं, आपकी इतनी सारी रिक्वेस्ट है, इतना सारा प्यार है, तो मैं बेसमेंट में पार्किंग के अंदर, कार के अंदर मैं यहाँ पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना। तो मेरा इतना डेडिकेशन है आपके लिए, तो आपको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत नॉइज़ रहेगा एसी का, क्योंकि गाड़ी में बैठ के मैं शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा नॉइज़ बैकग्राउंड रहेगा, उसके लिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स करते हैं। बायो मॉलिक्यूल के अंदर हमें क्या प्रिपेयर करना है, इम्पॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये वर्ड मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमें याद होना चाहिए, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल क्या होता है। तो बायोमोलिक्यूल का बड़ा सिंपल मतलब है कि मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, जैसे इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये सब दोस्तों हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है ना। और मेजॉरिटी 60-70% कार्बोहाइड्रेट्स इस चैप्टर में, यहाँ पे हमारे स्टडीज़ के अंदर ये पोर्शन इंक्लूड किया गया है। तो इतना ही हमें इंट्रोडक्शन से याद करना है। चलिए सबसे पहले, जैसे मैंने बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा पोर्शन कवर कर रहा है चैप्टर का, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमें सबसे पहले याद रखना है उसका जो सोर्स है वो, फिर उसके कुछ डेफिनेशंस याद रखने हैं, जनरल फार्मूला उसका याद रखना है, उसके एग्जाम्पल्स हम याद करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा यहाँ पे डेफिनेशन याद करेंगे हम। ये सब चीज़ें जो मैंने अंडरलाइन करी वो बेटा आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये अगेन, ये इंट्रोडक्शन जो है वो एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, थियोरी वाइज इसको हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला थियोरी इस चैप्टर का, 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूनिट, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो ये हम थ्योरी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, सबसे पहला थ्योरी इस चैप्टर का जो हमें प्रिपेयर करना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा एम भी नहीं है ये, है ना। वैसे थ्योरी ऐसा है दोस्तों कि इसमें आपको ज़्यादा रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, बहुत सिंपल थ्योरी है कि कार्बोहाइड्रेट में अगर स्मॉलेस्ट यूनिट होगा कार्बोहाइड्रेट का तो वो मोनोसैकेराइड है, है ना। और n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, मैनी यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स व्हेन जॉइन दे फॉर्म पॉलीसैकेराइड, एंड इफ 2-10 यूनिट्स जॉइन देन दे फॉर्म 2-10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे फॉर्म ऑलिगोसैकेराइड। 2 होंगे तो डाइसैकेराइड होगा, 3 होंगे तो ट्राइसैकेराइड होगा, है ना, 4 होंगे तो टेट्रासैकेराइड होगा। ये सब तो बहुत सिंपल है ये, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियोरी नहीं है ये। चलिए, मोनोसैकेराइड का नॉमिनेचर यहाँ पे कैसे होगा, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, एल्डिहाइड तो आल्डोज लिखते हैं, कीटोन तो कीटोज लिखते हैं। तो ये नॉमिनेचर जो है ये एमसीक्यूज में दोस्तों कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी, है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, मोस्ट टाइम भी थियरी 2 मार्क्स में इसको बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको मैं बोलूँगा कि मोस्ट आईएमपी थियरी है ये, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब दोस्तों, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है तो किसी भी पॉलीसैकेराइड से या डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड से ग्लूकोज तो बनना ही है, क्योंकि किसी भी सैकेराइड, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो लास्ट यूनिट तो यही बनना है ना, मोनोसैकेराइड। तो इसका प्रिपरेशन बड़ा सिंपल है। इस चैप्टर का मोस्ट 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 टाइम भी थियरी, मोस्ट टाइम भी थियरी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, है ना। ग्लूकोज के अंदर सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रूव करने के लिए पूछते हैं, अल्कोहल ग्रुप प्रूव करने के लिए रिएक्शंस पूछते हैं, है ना। तो वैसे टोटल आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, then 6 पॉइंट्स लिखे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज प्रूव करने के लिए। बट क्योंकि इतना बड़े थ्योरी आपको पूछ नहीं सकते, तो आपको क्या पूछेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको अलग अलग वे में पूछा होगा, जैसे पूछा होगा प्रूव स्ट्रेट चेन इन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन प्रूव करो, तो बेटा आपको ये सेकेंड पॉइंट ही लिखना है ओनली। देखिए यहाँ पे लिखा है, इस रिएक्शन से प्रूव होगा कि ग्लूकोज जो है
इट इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड. तो ये दो मार्क्स में सेपरेटली इसको पूछ सकते हैं, टू मार्क्स में, समझे आप. अच्छा, आपको पूछा कि कार्बोनाइल ग्रुप का प्रेजेंस बताओ, तो आपको खाली थर्ड पॉइंट लिखना है यहाँ से यहाँ तक. अच्छा, आपको पूछा एल्डिहाइड का प्रेजेंस बताओ, तो आपको बेटा यहाँ से यहाँ तक लिखना है. आपको बेटा पूछा पांच OH ग्रुप प्रूव करो, 5 OH ग्रुप, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है. अच्छा, आपको पूछा है कि OH ग्रुप का नेचर प्रूव करो, तो फिर पांचवा और छठा दोनों पॉइंट लिखने. समझ आया बेटा? तो पूरा थ्योरी एक साथ नहीं पूछेंगे, दो दो मार्क्स में इसको डिवाइड करा होगा इस थ्योरी को. पर ये थ्योरी बेटा प्रिपेयर करना, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये. ओके बेटा, चलो बेटा, अब ये जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री है, एक बार रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जनरली आज तक कोई MCQ में कहीं पर पूछा नहीं गया. साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक बार पढ़ लेना, है ना. थ्योरी में कभी कभी पूछ सकते हैं. इसमें म्यूटा रोटेशन क्या होता है वो पूछते हैं, तो इसको लिख देता हूँ MCQs प्लस थ्योरी. नॉट दैट मच IMP, इतना IMP नहीं है, पर यह हमें पता होना चाहिए कि ग्लूकोज में से अल्फा और बीटा ग्लूकोज कैसे फॉर्म हुआ. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पायरन से मैच करता है, तो ग्लूकोपायरनोज लिखेंगे इसको. स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, अगेन याद कर लेंगे हम ये, ठीक है, फॉर MCQs. फ्रुक्टोज आप प्रिपेयर नहीं करोगे, खाली स्ट्रक्चर करोगे ना इसके तो चलेगा, थ्योरी प्रिपेयर नहीं करोगे तो चलेगा, पर MCQ के लिए एक बार पढ़ लेना आप लोग. डाइसैक्कराइड में मोस्ट टाइम भी थ्योरी सुक्रोज, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है आपको सुक्रोज को. इसको मैं लिख देता हूँ मोस्ट IMP थ्योरी. क्लियर है बेटा ये? चलो, आई होप आपको क्लियर होगा बेटा. माल्टोज नहीं पूछते हैं, तो आप MCQ में प्रिपेयर कर लेना कौन से मोनोसैक्कराइड ज्वाइन होकर माल्टोज बनाते हैं. लैक्टोज, ठीक है. अच्छा, ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये MCQ को आप, है ना, अच्छे से प्रिपेयर करना. सुक्रोज ही वैसे नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सब रिड्यूसिंग शुगर है हमारे सिलेबस में, तो MCQ बहुत बार पूछा जाता है. पॉलीसैक्कराइड में स्टार्च, ये पूरा टॉपिक जो है फॉर MCQ. स्ट्रक्चर एमाइलोज MCQ, एमाइलोपेक्टिन MCQ. सेल्युलोज में जितने भी ग्लूकोज होते हैं उसमें कौन सा लिंकेज होता है, वो सब MCQ के लिए हम प्रिपेयर करेंगे. ग्लाइकोजन जो है, अगेन MCQ. इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम एक बार रीड करेंगे फॉर MCQ. चलो बेटा, इंडेक्स क्वेश्चन इसके नहीं करोगे तो चलेगा. प्रोटीन का इंट्रोडक्शन नहीं करोगे चलेगा. ये प्रोटीन का इंट्रोडक्शन भी नहीं करोगे तो चलेगा. ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कौन से करने हैं टिक कर लो जल्दी, चलो फटाफट. एलेनाइन याद करेंगे, ग्लाइसिन याद करेंगे, आर्जिनिन याद करना है, लाइसिन याद करना है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनाइन. फिर से एक बार शो कर देता हूँ, 1st, 2nd, 6th, 7th, 8th, 9th, 16th. इतना करोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कवर हो जाएगा, ठीक है बेटा. क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, मोस्ट टाइम भी है ये MCQ के लिए, हाँ, फॉर MCQs. अच्छा चलो, अमीनो एसिड इज ए डाईपोलर आयन, एग्जाम में ऐसा थ्योरी पूछते हैं. अमीनो एसिड इज ए डाईपोलर आयन और ज्विटर आयन, नॉट ट्विटर, ज्विटर आयन, ठीक है. तो आपको ये थ्योरी लिखना है. अमीनो एसिड इज ए डाईपोलर आयन पूछेंगे, तो इतना थ्योरी आपको लिखना है, ये आप मिस नहीं करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, दो मार्क्स में. पेप्टाइड बॉन्ड अगर आपको पूछा, तो आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ तक लिखना है तो यहाँ तक लिखना है, ठीक है. ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो है सब लिखना है विथ रिएक्शंस. पेप्टाइड बॉन्ड ऐसा पूछा होगा एग्जाम में, थ्योरी का नाम लिख देता हूँ, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है बेटा. चलो, प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कहीं कहीं पूछा जाता है, फाइबरस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, तो एक सॉल्यूबल है, है ना, एक इनसॉल्यूबल है, एक सॉल्यूबल है, तो डिफरेंस के फॉर्म में अगर आप याद करोगे बेटा तो इजीली याद हो जाएगा. इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं. इसमें पैरेलल होगा, इसमें स्फेरिकल शेप होगा. इसमें एग्जांपल हो गए केराटिन एंड मायोसिन, इसके एग्जांपल हो गए इंसुलिन एल्ब्यूमिन. आ रहा बेटा आपको समझ में? चलो ठीक है. प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर MCQ में हम प्रिपेयर करेंगे, थ्योरी में नहीं करोगे चलेगा.
ये तो स्ट्रक्चर याद करने ही नहीं है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, अगेन मोस्ट टाइम पे थियोरी है इस चैप्टर का। ओके बेटा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ये याद कर लेंगे। इंडेक्स क्वेश्चन छोड़ दो, एंजाइम चलेगा नहीं करोगे तो। विटामिन में ये जो मैं टिक कर रहा हूँ मिस नहीं करना आप लोग, मैं टिक कर देता हूँ। देखो सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो, देन ADEK एंड विटामिन BNC फैट एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब MCQ के लिए याद कर लेना। ये पूरा टेबल याद करना है फॉर MCQ, नॉट फॉर थियोरी, कभी थियोरी में नहीं पूछेंगे इसको, फॉर MCQs, ठीक है। चलो बेटा, न्यूक्लिक एसिड टॉपिक है, कभी कभी थियोरी में पूछते हैं, कभी कभी MCQ में पूछते हैं, तो पूरा टॉपिक हम प्रिपेयर अच्छे से करेंगे, मिस नहीं करेंगे हम इसको। अच्छा, इस चैप्टर में कोई टॉपिक में आपको पर्टिकुलर डाउट हो तो उसका वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है, आप YouTube पे देखना ना भूलें बेटा। मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना बायोमोलिक्यूल का पूरा थ्योरी मैंने प्रिपेयर किया है, उसका लिंक मैं डाल रहा हूँ, तो आप उसको रेफ़र करिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। थंबनेल के ऊपर मैंने लिखा होगा कि कौन सा टॉपिक मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है, वीडियो के अंदर, तो आपका कंटेंट क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये MCQ याद रखेंगे। न्यूक्लिक एसिड में DNA में AGCT होता है और RNA में AGCU होता है। अच्छा, ये A मतलब एडेनिन, ये G मतलब ग्वानिन, C मतलब साइटोसिन, T मतलब थायमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो DNA और RNA में जो बेस होता है थोड़ा अलग होता है, कौन सा अलग होता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इसको अच्छे से याद करना। ये नीट में भी बहुत बार पूछा गया है, गुजसेट में बहुत बार पूछा गया है, गुजरात बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है बेटा, तो इसको मिस नहीं कर सकते बेटा। चलिए बेटा, नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आपने पढ़ा तो होगा ही, नहीं पढ़ा तो मैंने आपको बोला कि आप मेरा वीडियो लेक्चर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है, कि मैंने सब टिक कर दिया है, इतना आप मिस ना करें, ठीक है बेटा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड करने की ज़रूरत नहीं है, हार्मोन भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसके एक्सरसाइज नहीं करोगे तो चलेगा। चलो बेटा, अब क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर हैं लास्ट 3, तो मैं एक साथ ही इसका वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट चैप्टर अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप थक गए हो वीडियो को पॉज कर दो, थोड़ी देर ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो है ना, और फिर पॉलीमर आप टिक करना शुरू करो। आगे बढ़ते हैं, पॉलीमर के अंदर क्या प्रिपेयर करना है, पॉलीमर के अंदर इंट्रोडक्शन से ये सब बातें जो मैं टिक कर रहा हूँ उतना आप याद कर लीजिए। मॉलिकुलर वेट क्या होता है ना, फिर मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, मॉलिकुलर वेट कितना होता है, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं ये, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, ये सब। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, अच्छा ये कभी नहीं पूछेंगे एग्जाम में। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक, इसके एग्जाम्पल खाली आप याद कर लेना फॉर MCQs। तो मैं इधर लिख देता हूँ, MCQs के लिए हम याद करेंगे नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल, सेमी सिंथेटिक के एग्जाम्पल, सिंथेटिक के एग्जाम्पल। टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मोस्ट टाइम पे थियरी इस चैप्टर का, लिख दूँ यहाँ पे MIMP। तो आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे, यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऐसा पूछा होगा एग्जाम में, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन ऐसा पूछा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, 3 मार्क्स में मोस्ट टाइम पे थ्योरी। चलिए, LDP प्रिपेयर नहीं करोगे 100% चलेगा, HDP नहीं करोगे चलेगा, ज़िग्लेनर्टा कैटलिस्ट क्या है यू मस्ट नो फॉर MCQ। MCQ में इसके यूजेस भी याद रखने पड़ेंगे LDP HDP के, ये आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो यहाँ पे। PTFE टेफ्लॉन स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा MCQ के लिए, कहाँ यूज़ होता है करना पड़ेगा फॉर MCQ। PAN ये आपको याद करना पड़ेगा, PAN पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, थ्योरी के लिए भी याद करना है और MCQ के लिए भी याद करना है। मैं फिर से बताता हूँ, इसको आप प्रिपेयर करोगे थ्योरी प्लस MCQs दोनों के लिए प्रिपेयर करोगे, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं।
कंडेंसेशन में ये वाला रिएक्शन याद नहीं करेंगे, नायलॉन 66 मोस्ट टाइम पे थ्योरी के लिए पूरा पूरा करना है, नायलॉन 6 थ्योरी के लिए मोस्ट टाइम पे, बैकेलाइट थ्योरी के लिए मोस्ट टाइम पे। तो बैकेलाइट पूछे तो यहां से लेके सब लिखना है, याद रखना प्रिपरेशन प्रॉपर्टी और यूजेस ऐसा लिखा होगा, तो प्रिपरेशन का एक मार्क है, प्रॉपर्टी का एक मार्क है और यूज का एक मार्क है। अगेन इसका भी वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आप रेफर कर सकते हो बेटा। चलो बेटा इंटेक्स क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। देन नेचुरल रबर फॉर MCQs, थियरी में कभी नहीं पूछेंगे इसको, पूरा नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर है ना, कहाँ से मिलता है नेचुरल रबर, एक्सट्रैक्ट कैसे होता है, प्रॉपर्टी क्या है, वल्केनाइज रबर, ये सब MCQ के लिए याद करेंगे, जो भी टेम्परेचर है ये पूरा फॉर MCQs, ये MCQs के लिए प्रिपेयर करेंगे हम। इसका स्ट्रक्चर भी, वल्केनाइज रबर का स्ट्रक्चर भी MCQ के लिए याद करेंगे। सिंथेटिक रबर में नियोप्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी में याद करेंगे हम, थ्योरी के लिए याद करना है, ब्यूना एन थ्योरी में याद करेंगे इसको हम पूरा पूरा पूरा, इसमें मैं टिक नहीं कर रहा, जब थ्योरी बोल रहा हूँ मतलब पूरा याद करना है। मॉलिक्यूलर मास टॉपिक छोड़ दो के चलेगा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के अंदर PHBB थ्योरी के लिए याद करके जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नायलॉन 2N6 MCQ, और ये पूरा टेबल जो है फॉर MCQ, इसमें से थ्योरी नहीं बनेगा MCQs। तो ये दोस्तों चैप्टर खत्म हो चुका है, एक्सरसाइज इसका छोड़ दो, नहीं करोगे तो कन्फर्म चलेगा। लास्ट चैप्टर अब बात कर रहा हूँ IMP के बारे में, लास्ट चैप्टर हमारा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। चलिए इसमें क्या करेंगे, ड्रग का क्लासिफिकेशन ये हम करेंगे MCQ के लिए, 16.1 ये जो भी क्लासिफिकेशन दिए हैं चार कैटेगरी में MCQ के लिए याद करेंगे। 16.2 इसमें ये पूरा टॉपिक आप छोड़ दोगे ना तो कन्फर्म चलेगा, पूरा टॉपिक छोड़ दोगे तो चलेगा। अच्छा जब मैं बोल रहा हूँ छोड़ दोगे तो चलेगा, तो आपने प्रिपेयर ही नहीं किया, पढ़ा भी नहीं, समझा भी नहीं, कुछ नहीं है ना, तो अगेन सिलेबस तो वैसे पूरा प्रिपेयर करना ही है, ये तो मैं सीरीज मेरी जो है वो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चंस और MCQ की है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोर्ड का पेपर बनाया है और इसमें से मैंने क्वेश्चन निकाला नहीं है तो मैंने बोल दिया कि मत करो, है ना। देखिए मैं मेरे अनुभव से मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि इसमें से कुछ पूछा नहीं जाता जनरली, ठीक है। चलिए एंट एसिड याद करेंगे हम थ्योरी के लिए, एंट एसिड अगर हमें पूछेंगे तो एंट एसिड में हमें यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लिखे यहाँ तक है ना, एंटी हिस्टामिन, तो ये सब ड्रग्स याद कर लेंगे हम, एंटी हिस्टामिन के ड्रग, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर्स के अंदर ये टॉपिक MCQ के लिए याद करेंगे, एनाल्जेसिक वगैरह ये सब MCQ के लिए याद करेंगे। इसमें क्या है पता है, जो भी क्लास है ना, जो भी ड्रग दिया है ना उसका एग्जांपल देखो, वो ड्रग मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वो ड्रग सबसे पहले, फिर वो ड्रग है ना वो उसका एक्शन क्या है बॉडी के अंदर, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर क्या करना है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसके अंदर हमें एक तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन मतलब समझते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्लासिफिकेशन मतलब जैसे कि यहाँ पे आपने प्रिपेयर किया ये जैसे कि ट्रैंक्विलाइजर, तो इसके अंदर हमें इतना पता होना चाहिए बेटा ट्रैंक्विलाइजर्स के अंदर कि ट्रैंक्विलाइजर्स का मेन काम क्या है, मेन फंक्शन ऑफ ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है, और उसके एग्जांपल असल उसे क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए, मतलब तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, उसका एग्जाम्पल है ना और उसके अफेक्ट जो होते हैं बॉडी के अंदर वो हमें पता होने चाहिए, इतना याद कर लोगे तो भी चलेगा, खास करके तो एग्जांपल पता होना चाहिए हमें, क्लियर है बेटा। चलो एंटी माइक्रोबियल, इसमें एंटीबायोटिक्स, इसमें ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव जो है ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक, इसमें देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, लिमिटेड स्पेक्ट्रम, ये MCQ में बहुत बार होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, जो उसको मिस नहीं कर सकते। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट अगेन पूरा थ्योरी के लिए याद करेंगे ये टॉपिक, एंटी फर्टिलिटी नहीं करोगे खाली एग्जांपल कर लोगे तो चलेगा,
केमिकल्स इन फूड के अंदर हमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट याद करना है। इसमें खास करके ये स्वीटनेस जो दी है इन कंपैरिजन टू शुगर, एस्पार्टेम उसके एग्जांपल, एलिटेम एग्जांपल, सुक्रोलोज एग्जांपल, फूड प्रिजर्वेटिव के एग्जांपल, एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल, सेपोनिफिकेशन मोस्ट टाइम भी थ्योरी, व्हाट इज सेपोनिफिकेशन। तो ये इक्वेशन लिखना है आपको, इतने लाइंस लिखने हैं और सामने वाले पेज पे यहाँ तक लिखना है आपको। टाइप ऑफ सोप पूरा एमसीक्यू के लिए हम याद करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट, व्हाई डू सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में सोप काम क्यों नहीं करता। तो ये हम किसके लिए याद करेंगे, ये हम बेटा याद करेंगे अगेन फॉर एमसीक्यू, एमसीक्यू के लिए हम इसको याद करेंगे। इतना याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए मिस नहीं होना चाहिए थ्योरी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, सिंथेटिक डिटर्जेंट मोस्ट टाइम बिफोर थ्योरी, डिटर्जेंट का पूरा क्लासिफिकेशन आ रहा है आपको समझ में, डिटर्जेंट का क्लासिफिकेशन मिस मत करना बेटा। 3 मार्क में ये एग्जाम में पूछते हैं, इन 3 मार्क्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है आपको, मैं जो आपको बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है ना। 3 मार्क्स में डिटर्जेंट का क्लासिफिकेशन आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। चलो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ आई होप। चलो बेटा, डिटर्जेंट का क्लासिफिकेशन हम प्रिपेयर कर लेंगे। कौन सा एनायनिक डिटर्जेंट, उसके बाद क्या याद करना है बेटा, एनायनिक डिटर्जेंट के बाद, एनायनिक डिटर्जेंट के बाद हम याद करेंगे दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो, उसके एग्जांपल वो कहाँ यूज़ होते हैं, है ना, उसका यूजेस क्या है वो सब याद करेंगे। इज़ दैट क्लियर माई डियर स्टूडेंट, समझ आ रहा है बेटा आपको। चलो ठीक है, उसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन कौन सा है बेटा, एनायन कैटायन, उसके बाद कौन सा क्लासिफिकेशन है, नॉन आयनिक। इज़ दैट क्लियर, आई होप बेटा ये क्लियर है आपको। चलो अब इसके बाद मैं अभी आपको एक टेबल शेयर करूंगा दोस्तों इसी वीडियो के दौरान, वो आप प्रिपेयर कर लोगे ना इस चैप्टर में तो भी इनफ, उतना करोगे ना तो भी इनफ है। तो अगर आपको थ्योरी ना प्रिपेयर करना हो और वो टेबल याद कर लेना हो तो भी इस चैप्टर के लिए आपका काम हो जाएगा। पर हाँ, इस चैप्टर से सेपोनिफिकेशन और डिटर्जेंट का जो थ्योरी है ना वो बेटा मेहरबानी करके इसको मिस मत करना, वो अच्छे से आप प्रिपेयर करना। तो अब जो टेबल के बारे में जो मैं आपको बात कर रहा था ना वो मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये रहा बेटा वो टेबल। आई होप आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा ये टेबल, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अंदर आप पर्टिकुलर देख सकते हो, ड्रग लिखा है, यूज लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, नोट लिखा है। इतना प्रिपेयर करोगे और जब एंट एसिड पूछा तो उसको सीधा सीधा लिख देना कि यूज ऑफ एंट एसिड इज टू प्रिवेंट एसिडिटी, एग्जाम्पल आर दिस, एंड नोट लिख देना, है ना। ऐसे ही एंटी हिस्टामिन, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग में ट्रैंक्विलाइजर्स, एनाल्जेसिक, एंटी माइक्रोबियल, है ना, ऐसे ही एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटी फर्टिलिटी, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, फूड प्रिजर्वेटिव, एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड फूड कलर्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप बेटा ये आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आपको गाइड करा। 3 चैप्टर मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। प्लीज़ बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें कि आपको ये वीडियो कितना यूज़फुल रहा, आप कहाँ से, है ना, कौन से लोकेशन से वीडियो देख रहे हो और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और कोई क्वेरी है तो भी बेटा कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अटेंड योर क्वेरीज। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ, है ना, आपके साथ ही हूँ मैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, है ना। एग्जाम के लास्ट डे तक मैं वीडियो ऐसे अपलोड करता रहूँगा, उसके बाद गुड सेट सीरीज आएगी, नीट सीरीज आएगी, JEE सीरीज आएगी, फिर आपके कॉलेज के अंदर आपको कैसे एडमिशन फॉर्म सब मैं आपको गाइड करने वाला हूँ आगे, है ना। तो चैनल पे हमारे बने रहिए, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब हो चैनल, और जितने भी आईडी आपके पास हैं जीमेल आईडीज उन सब से मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को सपोर्ट करना है बेटा। आई सी योर सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट ज़रूर से करें। थैंक यू, God bless you. I'm with you, brother.